लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने सिनेमाई दुनिया की संक्षिप्त यात्रा के बाद राजनीति के मैदान में कदम बढ़ाना शुरू ही किया था कि पिता का साथ छूट गया। पिता ने बाहर में जो राजनीतिक जमीन तैयार की थी उस पर नई फसल उगाने से पहले ही विरासत की लड़ाई में परिवार दो फाड़ हो गया। विलास की लाजपा दो धड़ों में विभक्त हो चुकी थी। इस लोकसभा चुनाव में चिराग अब लोक जनशक्ति पार्टी के साथ राजग के घटक दल के रूप में मैदान में हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम के दूसरे धड़े का नेतृत्व उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास है। स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग राजग का हिस्सा तो बने रहे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रतिकूल रिश्ता भी जगजाहिर रहा है। परिवारवाद के आरोप से भी भरी रही है इनकी जिंदगी। मूल पार्टी का सर्वस्व बनाने के बाद पारिवारिक फूट के कारण इसके दो धड़ों में विभाजन, नीति से हुई करवाहट से लेकर परिवारवाद के आरोप, आरक्षण से लेकर आध्यात्मिक गलियारों जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने दैनिक जागरण पटना के समाचार संपादक अविश्वसनीय से खुलकर बातें की जो कहीं आपके पारिवारिक जीवन से जुड़े हैं, आपकी राजनीतिक यात्रा से भी आरोपी भी हैं। लोकसभा का ये पहला चुनाव है जब आपके पिता का छत्र छाया नहीं है। सफलता या विफलता दोनों के भागी ही आप हैं। क्या ये बात आप मानते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब पे चिराग पासवान ने क्या कहा, आइए जानते हैं। चिराग ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है, आप निश्चिंत होते हैं जब पिता की छाया होती है। मेरे साथ भी था, पिता नहीं रहे तो एक बड़ी रिक्तता तो जीवन में आ ही गई, पर उनके सपनों के फलीभूत करने का भी दायित्व है। उन्होंने लोकसभा राज्यसभा से लेकर तमाम बीसीओ चुनाव देखे। मेरा सौभाग्य रहा कि अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में मैंने उनके संरक्षण में कार्य किया, उनके जाने के बाद मुश्किलों से बाहर निकल सका, ये उनका ही आशीष है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि मेरे परिवार के पिछले 3-4 साल किन कठिनाइयों से भरे रहे। चलिए ये भी है कि मान लिया कि मैं ही गलत था, और लेकिन आप तो बड़े थे, मेरा कान पकड़ते, दो थप्पड़ लगाते, पापा नहीं रहे, परिवार में सबसे बड़े आप थे, पर आपने तो मुझे जैसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। नाम, पार्टी, सिंबल सब छीन लिया। जब हमारा घर खाली कराया गया तो हम सड़क पर थे। नाना नानी का घर नहीं होता तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। मैं, मेरी माँ 3-4 साल में कहाँ है, किस हाल में, कभी किसी ने सुध-बुध भी नहीं ली। तकलीफ तो है, बाद में ऐसे बयानबाजी जिन्हें भाभी कहते नहीं थकते थे, वो आज चिराग की माँ हो गई। वो भाई जिसे मैंने बेटे की तरह देखा आप दिल्ली में स्कूल में चले गए, वो अभिभावक में मेरा ही नाम है। वो भाई अपनी चाची यानी मेरी माँ का नाम लेकर पुकारता है, वो भी ऐसे रीना शर्मा पासवान। ये बात ऐसी है कि किसी से छिपी नहीं है, मेरी माँ पंजाबी है, सरदारनी है। आप पता कर ले, सरदारों में शर्मा टाइटल होता है, सिंह कौर जैसे टाइटल होते हैं, आप नाम भी ले रहे हैं तो इस तरह गलत। तो क्या अब सारे दरवाजे बंद हो गए? ऐसा जब उनसे पूछा गया तो चिराग पासवान ने इसका जवाब देते हुए कहा, इसके बाद भी कोई रास्ता बच जाता है क्या? ऐसा भी क्या कि बैठकर बात नहीं हो सकती? सब सारे रास्ते बंद हो ही गए थे, जिस पर रातों रात पार्टी टूटी। मीडिया के माध्यम से पता चला कि मेरी माँ फ़ोन करती रही, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, जिस तरह से एकदम पराया कर दिया। समझ में नहीं आता कि मैं उनके यहाँ गया, ऐसा व्यवहार कि क्या कोई अपरिचित हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी भावना है, इसमें क्या हो सकता है? और फिर इसके बाद इसके लिए गठबंधन का हित साधना ज़रूरी है, और वो कहते हैं कि आज की तारीख में हम सब एक होकर एक मंच पर प्रधानमंत्री जी के लिए कार्य करें। यदि कहीं भी आपसी मतभेद हो जाते हैं तो उसका लाभ विपक्ष उठा लेगा, जो कतई सही नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत कुशलता के साथ मुख्यमंत्री जी ने दोनों पार्टियों में इस नाजुक परिस्थिति को संभाला। अब प्राथमिकता तय करते हुए हम लोग लोकसभा चुनाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और मैं उनका हमेशा सामना करता रहूँगा और सम्मान करता हूँ। पहले फिल्म अब राजनीति में एक मंच पर आप अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ हैं, कैसा लग रहा है आपको? जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो इसका जवाब चिराग पासवान ने हंसते हुए दिया, हाँ हम लोगों ने फिल्म मिले ना हम मिले हम में साथ में काम किया था, और अब राजनीति में साथ में काम करेंगे, बातचीत होती रहती है। और जब चिराग पासवान से उनके विवाह के बारे में पूछा गया कि आपके विवाह के बारे में आपका क्या विचार है, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा, अरे अब इसे छोड़ दो, हंसते हुए उन्होंने टाल दिया इस बात को। वैसे उन्होंने ये भी कहा था कि अब उम्र कहाँ है। वैसे आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान की शादी होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।